हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। नहीं तो देखो, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को नहीं थोर जंजीरों में ये कैसे हुआ? देखो कभी कभी कुछ, दरअसल मैं पृथ्वी पे था, कुछ रोबोट, लंबी कहानी है, पर बात यह है कि मैं हीरो हूं ना। के बाद अंतरिक्ष में कुछ रंग बिरंगे इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकले, कुछ रोबोट से लड़ाई की, 2-4 बार पृथ्वी को बचाया भी, फिर उसके बाद कांटों भरा रास्ता जिसमें मिली मौत और बर्बादी, ये जंजीरें, कुछ नहीं मिला। मिला तो एक बार, यहाँ मिले तुम, ये जंजीरें, आखिरकार ये पिंजरा। क्या लगता है यहाँ कब तक रुकना होगा? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कब? और ओडिन का बेटा सटर मुझे लगा पिताजी ने तुम्हें उस त्रेता युग में मार डाला था, उल्लू का पट्टा। तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हारा घर बर्बाद ना हो। हाँ तुमने बताया तो मार डाला था। मैं मर नहीं सकता जब तक मेरी किस्मत मुकम्मल है। और तुम सटर पूंछ घुमाए इधर उधर भुदक रहे। मुझे भी कई दिनों से डरावने सपने आ रहे कि एसगार्ड की लंका में भविष्यवाणी के मुताबिक वो सपना नहीं, रैग्नारॉक है, एसगार्ड का सर्वनाश। हमारा कनेक्शन बस बन ही रहा था कि रुको रुको रुको, मैं जरा घूम के आता हूं। ये हमारा मेरा समय आ गया है जब मेरा मुकुट और अनंत। हाँ तो रैग्नारॉक बताओ जरा क्या है? सीमा पे होगी, पर्वतों से ऊंचा होगा मेरा मस्तक और मेरे अनंत अग्नि मिलेंगी। मेरी शक्ति चरम सीमा पे हो, कसम से मैं हिल भी नहीं रहा, ये अपने आप ही घूम रहा है। और मेरी तलवार की नोक पे होगी एस्गार्ड की। भाई एक सेकंड, तुम अपने इस मुकुट को अनंत अग्नि में डालोगे और एक सेकंड भाई, सॉरी। अच्छा तो बात को समझने दो, वही अनंत अग्नि जिसे ओडिन ने छुपा रखी है एस्गार्ड में। ओडिन और फिर बड़े हो जाओगे जैसे कोई पर्वत, जैसे पर्वत। तो एस्गार्ड को बचाएगा कौन? अच्छा तो कहाँ है वो मुकुट? एस्गार्ड पर नहीं है और तुम यहाँ हो तो तुम्हारा मुकुट है। मुझे लगा तुम्हारा एंटेना है। ये मुकुट है, यही है मेरा मुकुट, मेरी शक्ति का स्रोत। हाँ ये मुझे तुम्हारा एंटेना उखाड़ना है। रैग्नारॉक की शुरुआत। ठीक है तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि रैग्नारॉक को रोकने के लिए। रैग्नारॉक की शुरुआत हो चुकी है, तुम उसे रोक नहीं सकते। मैं एस्गार्ड का अंत हूँ और तुम भी। ओ, इतना गुस्सा, सच कहूं तो तुम्हें बड़ा हो के सबका सर्वनाश, सब होंगे पासर का। क्लाइमैक्स थोड़ा अलग है क्योंकि मैं अभी ये जंजीर तोड़ के तेरे सिर को मारते, आग लगाते देखना मजेदार होता, लेकिन इस पिक्चर में रैग्नारॉक रोक नहीं सकते। क्यों लड़ रहे हो? सिंग उखाड़ के तेरी माँ गुजार के एस्गार्ड की तिजोरी में डालने वाला हूँ। तुम टाइमिंग में गड़बड़ हो गई, गलती कर दी ओडिन पुत्र। ओ ऐसी गलतियां मैं बहुत बड़ी गलती, काम बन ही जाता है, या मैं अक्सर करता हूँ। पर आखिर में दिन हो गए, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। अंजान तो बेवकूफ था, ये काम उसे माला माल कर देगा। ये बायफ्रॉस्ट मुझे नवग्रह के हर खजाने तक पहुंचाने की क्षमता रखती। माना काम आसान तो नहीं है, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। अब देखो, इसकी क्षमता रखती है, यानी कि अब सब कुछ मेरा हो सकता है। ये दो खिलौने बड़े प्यारे हैं। मैं इन्हें मिडगार्ड की एक जगह वासेपुर से लेकर आया। मेरे खिलौने, ये दो खिलौने बड़े, अगर इन्हें साथ में चलाया उसे लेकर आया था। इन्हें नाम भी दिए हैं, बर और तो बर्बादी होती है। कहाँ हो? ज़्यादा टाइम नहीं है। वहीं रहो। स्कर्ज। टाइम नहीं है। अब स्कर्ज। ये कुछ बोल रहा है। आज तो तुम्हारा लकी डे है। देखो तो कौन आया है। आते ही लड़कियों को डरा दिया। ओहो, ठीक है मुझे। देख, मैं उस कर्ज वैनाहाइम में हम साथ लड़े थे। अच्छा। को डरा दिया और ये भेजा फ्राई फैला दिया। कौन हो तुम? भूल गए क्या मुझे? द्रोही। हाँ, हुआ ये कि ओडिन ने हाइमडाल पर काम चोरी। हाइमडाल कहाँ है पता है? वो राजद्रोही कोई नहीं जानता, भाग गया। आप देख सकता है, उसे ढूंढना तो मुश्किल ही होगा। रुको, तुम्हारे आने की घोषणा तो कर। काम चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन वो सुनवाई के पहले ही गायब हो गया। जो सब कुछ देख सकता है उसे। ये क्या चक्कर है? मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। अगले कहीं मेरे भाई बैची को बुलाइए। बैची को बुलाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे सुनते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दो। राज करना चाहता था, ये उनका सौभाग्य होता। और मैं डेसरेक्ट की। कोई बात नहीं, तुम बस सांस लो। मैं पृथ्वी पे राज करने के लायक नहीं। तुम्हें मेंढक बनाने के लिए, चोरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। लालच में अंधा हो गया था। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा था। तुम आस्गार्ड के रक्षक बनाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो वाकई अच्छा मजाक था। हम बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे। मेरा शीश कवच हो, घुमावदार सींग के साथ। मेरी कहानी सबको सुनाना और मेरी एक मूर्ति बनाना। मैंने ये उनके लिए नहीं किया, मैंने ये उनके लिए, इनके साथ। मैं पिताजी को बताऊंगा तुम्हारे इस बलिदान के बारे में। मैंने नहीं किया भाई। और घिनौने राक्षसों से लड़कर हमारे ग्रह और फिर लोकी परलोक सिधार गया, हमारे लिए अपना जीवन त्याग। युगों पहले जब तुम मुझे मिले थे उस ठंडे बड़े में शांति स्थापित की। लोकी मेरे बच्चे एस्गार्ड के रक्षक नहीं, तुम बस एक नन्हे बर्फीले युद्ध क्षेत्र में। तब मैं नहीं बूझ पाया कि तुम ही हो। पत्थर दिल को पूरी तरह से पिघला दिया। शिशु थे जिसने मुझ जैसे मेरा बेटा थॉर वापस आ गया है। जीते रहो मेरे बच्चे। एस्गार्ड के लोकी की ट्रेजेडी, जनता उसे श्रद्धांजलि देना चाहती थी। मेरे बच्चे बड़ा दिलचस्प नाटक है, इसका नाम क्या है? एस्गार्ड। बेहतर है, छल कपट और कमीनापन दिखता ही नहीं। देनी भी चाहिए। वैसे मूर्ति अच्छी है, उसकी असली शक्ल से कहीं खोपड़ी। ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है। एक काम करो, इसे तिजोरी में डाल दो ताकि। वैसे आपको पता है ये क्या चीज है? ओह, सटर की खोपड़ी। शुक्रिया बेटा। अब तो तुम डाल दो ताकि फिर से भयानक राक्षस बनकर सब कुछ भस्म न कर दे। डरावने सपने आ रहे हैं मुझे। रोज सपने में देखता हूँ कि एस्गार्ड भस्म हो रहा है। पृथ्वी पे लौटने की जल्दी में हो? नहीं, कुछ दिनों से डरावने सपने हो सकता है। और फिर जब मैंने छानबीन की तो पता है ये तो एक बेकार सा सपना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शत्रु हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और आप ओडिन नवग्रह के रक्षक। पता है मैंने क्या देखा कि नवग्रहों में उथल पुथल मची है। एस्गार्ड के शत्रु। नहीं बेटा, पड़ोसियों की आजादी की इज्जत करना भी जरूरी है। क्यों नहीं? रक्षक यहाँ आराम से नाइटी पहनकर अंगूर खा रहे हैं और ताली बजा रहे। देखो, मुझे कई जरूरी काम करने पड़ते हैं। जैसे नाटक नहीं, मेरी मीटिंग से है। चाहे वो आजादी के नाम पर कत्लेआम क्यों ना करें। देखो मुझे सुरक्षा समिति है और लातों के भूत बातों से नहीं। क्या मतलब? तुम्हारा थोबड़ा तोड़ के। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इसके लिए मौत की सजा मिल सकती है। जानते हो ना, मेरा हथौड़ा मेरे हाथ में वापस आकर रहेगा। तुम्हारा तुम जीते। मैं आके तुमसे मिलूंगा प्यारे भाई। ठीक है, तुम जीते। तुम्हें एक काम दिया था, सिर्फ एक। थॉर, ओडिन पुत्र। दूर नहीं रह सकते थे ना। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एस्गार्ड खुशहाल था। कहाँ है ओडिन? पिताजी कहाँ? जो चाहते थे तुम्हें मिला, जो आजादी चाहिए थी मिले। ओके, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। पूछो सबसे। सिर्फ एक बार पूछो। ओके, बताता हूँ वो कहाँ है। कसम से मैंने उन्हें यही छोड़ा था। उस खंडर आश्रम में सोचा क्या था? पता थोड़ी था ऐसा होगा। मैं भविष्य में नहीं देख सकता चाहता। कहाँ छोड़ा था? यहाँ फुटपाथ पे या वहाँ? सुना कि तुम जिंदा हो। तुम्हें मरते देखा था, मातम मनाया था। जादूगर नहीं? नहीं। तो फिर बाड़े का सूट क्यों पहना है? क्या विश्वास नहीं? आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? पता लगा ये तो मेरी खुशनसीबी है। क्या मैं आपके साथ? उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने लगा ओडिन कहाँ है। बुरा लगा जेन ने तुम्हें छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ा, बल्कि हम दोनों ने छोड़ा। साइंस की जो हमारे लिए नहीं, ये भी उस लिस्ट में शामिल है। वो हर पूरी लिस्ट में होता है। हमारी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। तुम्हारा सौतेला भाई लोकी भी हम अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं ओडिन का पता बता दूं तो फिर उसे यहाँ क्यों लाए? और हम अपने बढ़िया, तो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें पता था कि वो कहाँ है, बता दूं तो सारे बिन बुलाए मेहमान वापस एस्गार्ड चले जाएंगे। और हमारे पिताजी ने खुद अपना अकेलापन चुना है। कि वो कहाँ है, तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी जिद थी कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। पर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेज सकते थे, उसे ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर और तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? नहीं, फोन तो नहीं है, पर अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दो कहाँ है तो मैं उन्हें घर ले जाऊँ। तुम्हारे पास किस लिए? खैर, अब पिताजी को देखने तो ये मंत्र एस्गार्ड वासियों पर चलेगा या खुशी से। वो नॉर्वे में है, जरा मुझे देखना या नहीं चलेगा। तो तुम ठीक हो ना? क्या मुझे बस तुम्हारा एक बाल मिल सकता है? ये सब तुम बंद करोगे? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी जुल्फों को छेड़ना मना। चल के भी तो आ सकते थे। चल जाता हूँ, बोलना। ओ हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मैं चाहता हूँ, सॉरी, क्या मुझे मेरा भाई वापस मिल सकता है? मैं पिछले आधे घंटे से बिल्कुल, मदद के लिए शुक्रिया। गुड लक। मैं आफत जैसे गिर रहा हूँ। अब अपनी इस आफत को खुद ही संभालो। हाँ, और समझते हो, 1 मिनट में सारी हेगड़े निकाल दूंगा। तुम कौन हो? हमने आपको बहुत बड़ा जादूगर समझते हो। जी, हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। घर? हाँ, मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा ही नहीं सुनाई दे रहा है। तुम्हारी माँ मुझे पुकार रही है। तुम्हारा मायाजाल तोड़ना आसान नहीं था। लोकी, अपना जादू हटाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी माँ को गर्व होता। आप मेरे साथ बैठो। मैं आपको निराश किया, मगर अब और नहीं करेंगे। निराश तो मैंने, हमने आपको नहीं। आफत टल चुकी है पिताजी, मैंने सटर को मार दिया है। निराश तो मैंने किया, आफत सर पे आ चुकी है। रैग्नारॉक, मेरी सांसों का चलना उसे रोके हुआ था, पर मेरा समय आ गया। शुरुआत हो चुकी है, वो आ रही होगी, नहीं रोक पाऊंगा। पिताजी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मौत की दिया है, अब मैं उसे और नहीं रुका। तुम्हारी बहन, मौत की देवी हेला, मेरी पहली संतान, वो खून की प्यासी मेरे काबू की। क्या कहा? बंदी बना लिया, कैद कर लिया, मेरे काबू के बाहर हो गई। मैं उसे रोक नहीं पाया, तो एक बार वो वहां पहुंच गई तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसे अपनी शक्ति एस्गार्ड से मिलती है, और हम नहीं। अब मेरा रास्ता तय हो चुका है, सब तुम्हारे ही हाथ। वो जो भी हो, हम रोक लेंगे उसे, साथ मिलकर सामना करेंगे। नहीं, हम नहीं है बच्चों, वो तेरे ही हाथ में। जीते रहो मेरे बच्चों, इस जगह को याद रखना। वो देखो, संभालूंगा। तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी वजह से। काश मैं उनका अंत देख पाती। तो तुम चले गए बेटा। अच्छा बाप पे तो नहीं गए। तो तुम हो हेला। मैं हूं थॉर, ओडिन का बेटा। झुक जाओ। क्या कहा तुमने? क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें। तुम जरूर बाप पे गए हो। झुको। मजाक अच्छा करती हो। अपनी रानी के आगे छोटे, तुम्हें क्या पता क्या मुमकिन है और क्या नहीं। ये नामुमकिन है। समझदार लगती हो और काफी चालाक भी। मैं तो बस सफाई करता हूँ। नौकरी करोगे मेरे लिए? बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। ये तो खाना है, या तुम योद्धा हो या खाना हो। मैं बेटे को चाहते हो तो मुझसे छीनना होगा। एक मिनट, ये मेरा है, मैं तुमसे छीनती हूँ। और खाना, पर ये तो हमारे कब्जे में है। ठीक है तो पास कुछ खास है। Hey, कहाँ ले जा रही हो मुझे? Scrapper 142, मुझे अंदर आना है और बॉस से मिलना है। Hey, मैं थॉर हूँ, ओडिन का बेटा, मुझे एस्गार्ड जाना है। जवाब दो मुझे। Hey! माफी चाहती हूँ मुगले आजम। अच्छा तो तुम लोग ये भी नहीं जानते कि मैं हूँ कौन। ओडिन की पहली संतान, एस्गार्ड के लश्कर की कमांडर। मैं हूँ हेला, ओडिन की कमांडर, इस राजगद्दी की असली वारिस और मौत की देवी के बेटे। अच्छा ही हुआ, एक समय था जब हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। मेरे पिताजी नहीं रहे और ना ही उनके बेटे। ओडिन ने नवग्रहों से आगे कुछ सोचा ही नहीं। हमारी किस्मत में बड़ी शक्ति थे, हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं था, मगर ओडिन सत्ता को फिर से कायम करने आई। घुटने टेक सारे ग्रहों पर राज करना लिखा है और मैं शामिल हो जाओ। तुम जो भी हो देखो मेरे आगे और आओ मेरी इस महाविजय में शामिल। तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। मैं जो भी हूँ, तुम भी जहाँ से भी आई हो, हार मान जाओ। नहीं है तुम्हें। सोचा था यहाँ स्वागत। तुम बिल्कुल बहरे हो क्या? ये आखिरी चेतावनी है तुम्हें। तो फिर मरो। स्वागत होगा मेरा। कितने दिनों बाद, फिर भी लाना। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आगे की नहीं सोची। हाय, फिर भी लानत है। अच्छे सिपाही बेमौत मारे गए सिर्फ इसलिए। ओह, देखो अभी जिंदा है। जिस नर्क से आई हो उसी नर्क में वापस चली जाओ। इरादा बदला, चलो मेरा महल देखते हैं। दुष्ट राक्षसी। इस जगह का नाम है सकार। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। पर क्या है ये जगह? सकार सोच और समझ की सरहद है। ये भूली भटकी और टुकड़ी ब्रह्मांड के द्वारों से घिरा सकार। लेकिन यहाँ तुम बेकार नहीं, खास हो। यहाँ तुम्हारी कीमत उगराई हुई चीजों का मेला है। जैसे कि तुम ज्यादा प्यार करेंगे महान ग्रैंड मास्टर, वो आधी कीमत होगी। यहाँ तुम्हें प्यार मिलेगा और सबसे ज्यादा निर्माता और खिलाड़ियों के दंगल के परम पिता। कभी तुम्हें सबसे पहले खुद को खोकर पाने वाले सकार के निर्माता ग्रैंड मास्टर की संपत्ति हो। मुबारक, उच्च थे पर आज यहाँ उच्च हो। बहुत कुछ मास्टर से होगी, तैयार रहो। मुबारक हो। 5 सेकंड में तुम्हारी मुलाकात ग्रैंड मास्टर। रहे हैं ग्रैंड मास्टर, तैयार हो जाओ। तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तगड़ा है, लौंडा ही है ना? हाँ, लौंडा ही है। हाँ, लौंडा सबसे बेस्ट। मैं जब भी इसकी बात करता हूँ तो पैसे स्क्रैपर 142 की, तो क्या मजा आता है जब भी तुम आती है 142। तुम बेस्ट माल लाती हो। सब कचरा नहीं, कचरा नहीं। तो क्या कहता हूँ यही के ये है, बोलो B4 क्या? कचौड़ी। I'm sorry B4, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। कचरा की स्पेलिंग B से नहीं होती। तो चैंपियन खिलाड़ी यही लाई थी ना? जब भी आती है आप यही कहते हैं। तो बताओ आज क्या लाई? B4 बेस्ट मेरे मन में था। बेस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम बेस्ट हो। मेरा से देखना, मुझे सूरज के नजदीक ले जाओ ना सर। बहुत दे दो इसे। रुको 1 मिनट, मैं बिका। बिकाऊ नहीं हूं। ओहो, बोर मत करो, दे दो कीमत। वाह, लौंडे में दम है। इसकी 10 करोड़ लूंगी मैं। इसे कहिए बकवास ना करे। तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। नहीं, महंगा तो बेचा है। लेकिन वो तूफान का ओ, अच्छा अच्छा है। आओ देखते आओ, तुम्हें मजा में क्या था? फूलझड़िया। आपका कजन भाई मिल गया। पकड़ना तो मुश्किल हो गया था, छुपे रुस्तम। तुम्हें मजा आएगा। ये रहा भाई। हेलो ब्रदर, तुम्हें पकड़ना तो मुश्किल। माफ कर दो कार्लो। दो प्लीज, बल्कि तुम्हें जिंदगी से सामने चलो माफ किया। और याद होती है। मैंने तुम्हें अपना बदबू, कैसी बदबू है? जले टोस्ट की। मैं ग्रैंड मास्टर, यहाँ मैं एक छोटा सा तमाशा करता हूँ, खिलाड़ियों का दंगल। तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। आओ मेरे साथ आओ। मेरा नाम है ग्रैंड। नहीं जाने इस नाटक के हीरो बन सकते हो, क्या कहते हो? हाँ? क्या ख्याल है? दूर दूर से खिलाड़ी जबरदस्ती पकड़ के लाए जाते हैं और लड़वाए जाते हैं। और तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी नौटंकी। मैं वापस जा रहा हूँ एस्गार्ड। एस्गार्ड? तो मैं उसी में घूम रही हूँ। लोकी इधर आओ, इधर इधर। लोकी, लोकी, लोकी इधर। नहीं रास्ते तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? फंसा हुआ इस कुर्सी में। लोकी क्या तुम जिंदा हो? क्यों नहीं? अरे अभी अभी इस आदमी से दोस्ती की है ग्रैंडमास्टर से की है। उसका भरोसा जीता है। हमारी कुर्सी का कोई कुर्सी नहीं मिली तो छुड़ाओ मुझे। नहीं छुड़ा, छुड़ाओ मुझे, नहीं छुड़ा। क्या गुजर गुजर कर। दरअसल यहाँ वक्त लगी सा जीता है। हफ्तों पहले भाई फॉस मुझे यहाँ ले आया। हफ्तों पहले? हाँ, मैं तो अभी यहाँ आया। सकाट पे किसी और ग्रह पे मेरी उम्र कई करोड़ों साल होती, पर यहाँ जानते हो इसे क्या नाम बताया? तूफान का नेता, तूफान का देवता। खैर छोड़ो, तुम जानते हो। लेकिन सौतेला क्या ये लड़ सकता है? मेरे गले से चिपको ना, बताओ। मैं इस आदमी से जिंदगी में पहली बार मिला। ये मेरा भाई। जाना चाहते हो ना वापस अपने आजमगढ़ या एस जो भी है? एस्गार्ड। फिर बता। हाय देखो तो मुझे धमका रहा है ये फुलझड़ी। अगर चाहेगा अपनी आजादी। ठीक है, बस इशारा कर दो कि मुझे किसकी बैंड बजानी। जो कोई भी हराएगा मेरे चैंपियन को, वो जीत जाएगा। इस तरफ आइए नेताजी। वाह लोकी, बजा ली है। ये हुई ना बात खिलाड़ियों वाली। ये तुम क्या करते मियां? आओ हम भी जीता जागता हस्ती है। रुको पहचान करा दा, मेरा नाम है कोक। इधर पिछू को देखो, ये जो पत्थर हाथ हिलाते वो मैं हूँ। इधर पर पत्थर का देख के घबराना ना को। तुम्हारा बॉडी शीशे का तो नहीं बनाना बिरादर। कोक और मैं यहाँ का समझो नवाब भाई। मैं पूरा पत्थर का बना है, दिखता है ना। कसम खास दोस्त है मीक, मुँह से कीड़ा और हाथ से चूड़ी। क्या जोक मारा मैं, लेकिन तेरे को समझा नहीं। ये अपन का खासा कैसे आए? क्या बताऊं मियां, मैंने बगावत शुरू करने का ट्राई किया। तुम्हें क्रूनन हो, है ना? सही पहचाना। और उनका आशिक आया टर्की कहीं का, और फिर इधर को मेरे को भेज गया। पर कोई आया ही नहीं, पर्चे कम पड़ गए ना। बस एक मेरी मम्मी और इधर से दोबारा बगावत करने वाला है। मालूम नहीं तेरे को इसका शौक है कि नहीं। क्या बोलता है तू? भेज दिया पहलवान बना के। मेरा बगावत का आइडिया ही फ्लॉप हो गया। लेकिन अपन इधर से कैसे? अरे छोड़ो मियाँ, ये पूरा जगह एक चक्कर है। तो साथ में करेगा कैसे? बेतुकी जगह है। हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता। बस एक ही सेंस है, मतलब असली वाला नहीं, वो जंतर मंतर वाला चक्कर मियाँ। बड़ी बेतुकी जगह ना डग। अरे नहीं, वो तो लुढ़क गया। सब नॉनसेंस है। यहाँ कोई है जो ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से लड़ा हो? डग लड़ा। पत्थर हो, पत्थर भी तो टूटती है ना। ये देखो एक और गिरा। चैंपियन से जो भी लड़ता है वो उठता नहीं मियाँ, उठ जाता है। और तुम? रुको मियाँ, तुम उससे तो नहीं भिड़ने वाला। हाँ भिड़ूंगा, लड़ूंगा मियाँ। मैं छोटा मोटा दंगल करता, लोगों का मूड बनाता मियाँ। भी ऐसा ही बोला करते थे। फिर मिलेंगे नए डग। लड़ूंगा, जीतूंगा और फिर यहाँ से फुर। डग मियाँ भी ऐसा ही बोला। क्या किसी ने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा? सब भूल गए हैं मुझे। क्या किसी ने हमारी कहानियां, चारों तरफ खुशहाली का दिखावा। देखो ओडिन को जीत का गुरूर था, पर असलियत से शर्मिंदगी। ये शांति के संदेश साम्राज्य खड़ा किया, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कैद कर दिया जंगली जानवर की। फिर जब मेरा लक्ष्य उनके लक्ष्य से बड़ा हो गया, तो सिपाहियों का सम्मान किया गया। श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी समाधि इसी महल जानवर की तरह लेकिन उससे पहले एस्गार्ड के सिपाहियों का महल के नीचे बनाई गई ओडिन का खजाना नकली यहाँ कमजोर जितना सोचा था उसे छोटा। यहाँ ज्यादातर चीजें बनावटी है। यह कमजोर यही है वो अनंत अग्नि। ये बुरा नहीं है पर ये क्या कर सकती है? देखना चाहोगे? जानिए तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। मेरी अनंत अग्नि से होगा तुम्हारा पुनर्जन्म। जब बताया जाए कि तुम कुछ हो फिर पता चले कि सब बकवास है। दुख होता है ना किसी की झूठ से। अब ऐसी घटिया जगह में मैं सचमुच तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगा ना। से तो तुम मेरी मदद नहीं चाहते। मैं ग्रैंड मास्टर के साथ रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। बहुत वक्त लगा। तो तुम मेरी मतलब है अगर तुम मेरे साथ ग्रैंड मास्टर की तरफ आ जाओ और फिर सही वक्त पे कहीं बहुत वक्त लगा है उसका भरोसा जीतने में। वो पागल है मगर बस में किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब कोई हादसा हो और फिर हमारी बहन ने सिर्फ एक झटके में तुम सचमुच वापस जाने की तो नहीं सोचे हो ना। ताकतवर है, हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुम्हारे हथौड़े को चूर चूर कर दिया। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। हम ठीक है मैं क्या कह रहा हूं। हमेशा की तरह कुछ कहो। लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। कुछ तो कहो। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? कुछ कहोगे भी या नहीं? राज करती हड़प ली, पिताजी की शक्ति छीन ली, उन्हें पृथ्वी पे छोड़ दिया मरने के लिए। तुमने मरने का नाटक किया। तो राज पहले का इतिहास बताऊं? पता है मरने के लिए मौत की देवी को आजाद किया। इतना काफी है या पिछले 2 दिन से पहले? जानवर है। मैंने बड़ा सट्टा खेला है तुम्हारे खिलाफ। उसके चैंपियन खिलाड़ी को तो नहीं देखा पर सुना है कि वो बड़ा ही जा रहे हैं भूतनी के। निराश मत करना। गया माटी मेला। कितना गंदा है। किसी का बाल चिपका है तो किसी का खून। ओ और मियां लकड़ी का कांटा लेते हैं क्या? भाई लोगा तुम लड़ने के बाद अपना हथियार साफ क्यों नहीं करता? समझ में नहीं आता। ये तभी काम आता जब 3 चिपकी चुड़ैल से लड़ाई हो ना। काश कि नहीं बरोबर है। क्या फायदा? ये तो वो एक टूटते तारे के अनोखे धातु से बना था और जब काश कि मेरा हथौड़ा मेरे पास होता। हथौड़ा? हाँ बहुत खास था वो। हथौड़े के पंख नहीं होते अभी तो बोले वो तुमको उड़ाता। ना ना ना, मैं उसे जब मैं उसे जोर जोर से घुमाता वो मुझे उड़ा ले जाता था। उसका पंख होना नहीं नहीं, वो मुझे अपनी ताकत से अपने साथ उड़ा ले जाता, पकड़ के जोर जोर से घुमाता और वो मुझे यूं हथौड़ा मारता। तुम्हारा हथौड़े के साथ बहुत मोहब्बत होना और उसके बिना तुम ही मजनू की माफी। मैं कभी भी कहीं भी उसे फेंकता वो मेरे पास वापस आ जाता। ऐसा लगता कहा ना ये मेरे हैं। मजनू की माफी कैसा तड़प रहे मियां? हाँ कुछ ऐसा ही समझ। अच्छा स्क्रैपर 142, ये एस्गार्ड वालों से बच के रहना मियां, बहुत खतरनाक होते हैं। अरे ये वही है जो मुझे यहाँ लाई थी। ओ अच्छा। ए, ए। क्या खतरनाक होते एस्गार्ड वाले। एस्गार्ड खतरे में है। क्या? दोबारा मुझे झटका मत मारना, मुझे सिर्फ बात करनी है। वैल्करी हो? पता है बचपन में मैं वैल्करी बनना चाहता था। अब कमाल है तुम्हें भी नहीं। मुझे औरतें पसंद है, बुरी नजर से नहीं बल्कि इज्जत। और पता चला कि वो सभी औरतें हैं। औरत होने में कोई बुराई नहीं है, टोली है, अच्छा है, यही तो चाहिए था, इज्जत और प्यार से। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है कि वीरांगनाओं की ये और तुम्हारी मदद चाहिए। लगता है तुम कोई देशद्रोही या कायर हो असली में। बकलिया महाराज, ये सकार है एस्गार्ड नहीं, और यहाँ मैं स्क्रैपर हूँ, कोई वैल्करी नहीं। असली वैल्करी होती तो ऐसे मैदान न छोड़ती। ध्यान से सुनिए महाराज, ले आओ। और यहाँ से भागना नामुमकिन है। तो तुम्हारा यहाँ मरना पक्का है। बेटा बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि मेरे हाथ आज। मेरी जुल्फों को हाथ भी लगाया तो तुम पे थॉर का कहर। हाथ आजकल कुछ ज्यादा ही कांपते हैं। ओडिन की दाढ़ी की कसम। प्लीज दया कीजिए सरकार, मेरे बाल मत काटिए। मेरे प्यारे मेहमानों, एक बार जोर से गहरा समा है सुहाना, सारा जमाना की मौत मारे गए। मजा आ गया, गजब की है रात। जोरदार तालियां उन खिलाड़ियों के लिए जो पहले के दंगल में कुत्ते की है दिखाना। समा है सुहाना आप आए जिसके लिए वो। अब शुरू करते हैं खिलाड़ियों का दंगल। बेहद और बेहिसाब आया वो खिलाड़ी यहाँ पहली बार। आज फिर जिस पे प्यार आया, आ रहा है तूफान का नेता। प्यार आया, अब और क्या कहो, खुद ही देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन। इसकी उंगलियों में लीजिए आ गया। अरे वाह, फुलझड़ियां हैं। आज ये ध्यान से देखिए, आइए स्वागत करते हैं। और इनके सामने आंखों में मस्ती दूर खड़ा गुर्राए आया है। सामने खूंखार जानवर, उसके बारे में क्या कहना। भोली सी सूरत जो कभी नहीं हारा, चैंपियन मेरी आंखों का तारा आ रहा है। चैंपियन हमारा, लेडीज एंड जेंटलमैन। भी काम करते हैं। कहाँ थे तुम? सबको लगा तुम मर चुके हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। कल की बात है, इस बात का बहुत दुख है मुझे। तुम्हें पिछली बार देखा तब से बहुत कुछ हो चुका है। मेरा हथौड़ा टूट गया। ये देखो कौन है। लोकी, लोकी जिंदा है। यकीन नहीं होता ना। वो वहाँ ऊपर बैठा है। लोकी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ये कहूंगा, पर तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बैनर, ए बैनर, ये मैं और बैनर नहीं, सिर्फ हॉल। तुम्हें क्या हो? यार मार दूंगा, लग जाएगी। बैनर अब दोस्त है। क्या बात है, क्या बात है भाई। दंगल का बहुत बड़ा फैन। अब बताता हूं। मैं जानता हूं तुम अंदर हो बैनर, बाहर आ जाओ। बेइज्जती करा रहे हो मेरी। मैंने सबसे कहा कि दिन नया डेक। ये आवाज कैसी? दरअसल ये मुख्य द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आम जनता बगावत पे उतर आई है। कुछ विद्रोही मुख्य द्वार। कुछ बताओ स्कर्च। वो मेरा बाप एक मिस्त्री था और अपने बारे में कुछ। तुम आखिर चाहते क्या हो? एक मौका चाहा और मेरी माँ एक वो सब छोड़ो। मैं दरअसल ये जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर। जब मैं छोटी थी हर महान राजा का एक जल्लाद नाम कमाने का मौका समझ सकती हूँ, बल्कि सारे हुक्मों की तामील के लिए जल्लाद होता था। सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि साथ। मैं ओडिन की जल्लाद अक्सर सजाए मौत का ही होता था, पर फिर भी औदा इज्जत। तुम मेरे जल्लाद बन सकते हो। जल्लाद थी और अब विजय की तैयारी करें। चलो तलवार कहाँ गई? जिन विद्रोहियों के बारे में तुम बात कर रहे थे वो बागी। वो तलवार ब्रह्मांड के द्वार को खोलने की चाबी है। इकट्ठा करो सबको। ठंडा हुआ और इतना हाथा भी है तो इस अवतार में कब से हो? तो हल्क ना हाथा भी बुद्धू। हल्क हमेशा हल्क अवतार। ओ ये अवतार बड़ा हरा यहाँ कैसे आए? कैसे पहुंचे? मतलब धोखे से? हाँ क्या उनके गले में भी यही था जब तुम जीते? क्वीन जेटअप कहाँ है? हाँ तो अब बताओ वो रिकरण नंगा। ओके तो नंगा है। पसंद आएगा तुम्हें एस्गार्ड। बड़ा है, हाँ, हम यहाँ से जा सकते हैं। ये बेकार, मेरे लोगों को मेरा इंतजार है एस्गार्ड पे। हमें किसी भी तरह सुनहरा है, चमकीला हल्क रहेगा। ना ना ना, सर्वनाश की कयामत का दिन, सर्वनाश का दिन किसी भी तरह रैग्नारोक को रोकना होगा। ये भविष्यवाणी है मेरे ग्रह के साथ। पृथ्वी को सहन। पागल हो क्या? वो बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम एस्गार्ड जाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पृथ्वी पहुंचा दूंगा। दूसरे की मदद। तुम बैनर का दोस्त। बैनर को मारो गोली। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम एवेंजर्स की टीम में हो, हमारे दोस्त हो, और दोस्त यही करते हैं। रश्मिश हो थोर जाओ, हॉल्क रहेगा। दोस्त हूँ, बैनर का दोस्त। बैनर मुझे पसंद ही नहीं है। मैं तो किताबी कीड़ा। जगह भद्दी है बहुत, कहीं लाल कहीं सफेद, एक रंग नहीं कर सकते। घटिया, तुम क्या फोड़ोगे? मैंने तुम्हें हराया। मैंने तुम्हें फोड़ा। अरे रहने दो रास्ता फैला दिया। फोड़ दूंगा। बुद्धू क्या अकल का पित्तू। फोड़ जाओ। हाँ देखो जा रहा हूँ। पित्तू कहीं का क्या? पित्तू बुद्धू तोड़ फिर जाओ। अच्छा चल रहा है आजकल। जीतना अच्छा, मजे करो। क्या हाल है पहलवान? पटाखा गुड्डी। क्या चल रहा है आजकल? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी दिखाओ। अंडाल में जानता हूँ तुम मुझे देख सकते हो। सकता हूं पर तुम बहुत दूर हो। मैंने शरणार्थियों को पूर्वजों के पुराने किले में रखा है। क्या हो रहा है यहाँ? आओ खुद ही देख लो। तुम एस्गार्ड छोड़ने की बात कर रहे हो? रखा है मगर सिपाही हार गए तो भागने का एक ही रास्ता है भाई। फ्रॉस्ट की शक्ति एस्गार्ड से है और हर दिन बढ़ती जा रही है। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेला खूब प्यासी है, उसे रोका नहीं गया तो वो नवग्रह क्या सारा ब्रह्मांड निकल जाएगी। हेला उस ग्रह पे हो जो ब्रह्म द्वारों से घिरा हुआ है। एक चुन लो, कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगी। तुम्हें यहाँ होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ। तुम उस बड़ा मैं गुस्सा हूँ। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरा हथौड़ा नहीं रहा। मैं गुस्सा हूँ। मेरे नाक मत मारो। तुम दोस्ती के तुम सुन भी नहीं रहे। पहले क्या बुलाते हैं? बुद्धू एवेंजर। तुम डेंगू एवेंजर। नाम पे कलंक हो। तुम बड़ा कलंक। पता है हम तुम्हें क्या बुलाते हैं? पता है तुम सही कह रहे थे, इसीलिए तुमसे कोई प्यार नहीं करता। पागल हो गए हो क्या? एवेंजर नहीं हो, कोई भी तुम्हें बुद्धू एवेंजर नहीं कहता। सॉरी, मैं गुस्से में ज़्यादा बोल गया। मैं मर सकता हूँ। पता है, सॉरी। हल्क इतना गुस्सा हो जाता। हल्क हमें जाने दो। पर तुम यूं ही लोगों पे चीजें नहीं फेंक सकते। मैं मर सकता था। दोनों के भेजे का फ्यूज शॉट है। सेम टू सेम। हल्क आग जैसा, हमेशा गुस्सा। जानता हूँ, हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दोनों आग जैसे हैं। और हल्क असली आग जैसा और पानी जैसा। से हम दोनों आ गए। हल्क तुम्हें मेरे लिए काम करना। जैसे ज्वालामुखी तो और जैसे मोमबत्ती। क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि इतना भी नहीं समझती कि कोई पूरे ब्रह्मांड से छुपकर अकेला रहना चाहता है? क्या तुम इसे जाने मत दो। रुको, रास्ता बंद। हाँ, लेकिन हमें बात नहीं, तुम्हें बात करनी है मुझसे। उसे जाने प्लीज। जाना होगा मुझे तुम्हारी। जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, एस्गार्ड खतरे में है। लोग ओडिन नहीं रहे। खत्म। बाय। अगर हेला वापस आ गई है तो एस्गार्ड को भूल जाओ। मैं उसे रोक के रहूंगा। हेला मौत की देवी ने एस्गार्ड पे कब्जा कर लिया है। एक मैं, तुम और ये भीम। अकेले? मैं बना रहा हूँ एक टीम। सिर्फ तुम। रुको, सुनो, वैल्करी तो महान है, एस्गार्ड की वीरांगना है। एक मैं और तुम। नहीं, सिर्फ ही बढ़ने वाली। घरेलू झगड़ा मतलब? तुम्हारी बहन, उसकी शक्ति भी एस्गार्ड से है। जो सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। नहीं, मैं ओडिन के घरेलू झगड़ों में तो बचने की कोशिश की। जब उसने सजा से भागना चाहा तो ओडिन ने वैल्करी है जैसे तुम्हारी। जब वो हद से बढ़ गई तो उसने महल में कत्लेआम किया और ओडिन की गद्दी बच गई। क्योंकि देखो, मैंने ओडिन पे भरी कोशिश से लड़ने भेजा। मैं सिर्फ इसलिए बच गई। एस्गार्ड की बर्बादी का कारण यही है। ये राजगद्दी, ये राज, ये खोखली चम भरोसा करके एक बार हेला का सामना किया और मेरा सब कुछ छिन गया। एस्गार्ड की मानता हूँ, इसीलिए मैंने राजगद्दी ठुकरा दी। पर मैं मानता हूँ। मानते हो तो दूर ही रहो। वो तो तुम्हारे भी लोग हैं। भूल जाओ, जैसे मैं भूल। पर मैं बात राजा की नहीं प्रजा की कर रहा हूँ, और वो मर रहे हैं। और वो तो तुम्हारे भी। किस लिए? इसके लिए। ओके, ठीक है। अच्छा है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब बेहतर है। तुम अपनी करो। सोचा नहीं था। क्यों? उसे गुलाम पकड़ो, खूब पियो, भागती फिरो, लेकिन मैं अपनी करो। यही रहो और जाओ। उस पगलेट के लिए भागता नहीं, उनसे भिड़ता हूँ, क्योंकि हार के जीत। मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, क्योंकि वही होता है असली हीरो। स्वागत है, अपना नाम बताएं। थॉर। निषेध। बाहुबली एवेंजर। प्रवेश निषेध। महापुत्र। प्रवेश निषेध। तूफान का देवता। प्रवेश निषेध। स्टार्क। चोटी मास्टर। स्वागत है, चोटी मास्टर। बाहुबली एवेंजर। प्रवेश निषेध। नहीं 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 नहीं। कहाँ जा रहा है? पर तुम बहुत ऊपर, बहुत तेज जा रहे हो, तो मेरे लिए जरा मेरी मदद की वजह से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे, तो जरा मेरी मदद करो। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और नैट कैसी है? नैट वैसे एक सन की पागल बुढ़े ने काट दी है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। हमने उसे बचा लिया ना। बताओ ना। स्कोविया अल्ट्रॉन ये 2 साल पहले ठीक अच्छी होगी। और स्कोविया का क्या हुआ? वो शहर स्कोविया मैं 2 साल से हेल्प था। हाँ 2 साल हो गए। 2 साल पहले की बात है। क्या कह रहे हो? सच। हाँ आखिर ये सब हुआ कैसे? अपना नाम बताएं। बैनर। बैनर मेरी बात ध्यान से सुनो। बैनर। स्वागत है बाहुबली एवेंजर। क्या? वीडियो दिखाओ। चैंपियन हम है का? हाँ यही मैं बताने वाला था। ये कौन है? इसे यहाँ का बॉस समझ लो। दरअसल तुम इसी के घर पे लापता है। सड़कों पे आ जाओ, पूजा करो मेरे चैंपियन की। ये कौन है? क्या मैं जीता? नहीं मैं जीता आराम से। यकीन नहीं होता पर सच है। क्या कह रहे हो? हाँ बहुत कुछ हो गया। तुम और मैं लड़े भी थे। उसे चुरा के ले गया है। लुभावना तूफान का देवता। हमें जाना होगा। सच है। ऐसा लगता है जैसे वो लुभावना तूफान का नेता उसे चुरा। ये सच में बहुत बुरा आइडिया है। अरे यार मुझे कुछ हो रहा है यार। ना 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 घबराओ मत, सब ठीक है। मुझे कुछ सुनो। तुम शांत रहना ठीक है। दिन ढल रहा है, काफी ढल चुका है। इसे पहन लो। ये तो टोनी के कपड़े। हाँ जानते। क्या वो यही है? ना वो यहाँ नहीं है। गुस्से में हूँ मैं। पता है मुझे गुस्से में क्या? मैं गुस्से में हूँ। और पता है मैं दोष किसे देना चाहता हूँ? ग्रैंडमास्टर मैं। बात मत काटो मेरी। मुझे गुस्से में क्या पसंद है? दोष देना। इस वक्त मेरा मूड कुछ ऐसा ही है। और पता है मैं दोष क्यों? बात काटने पे सजाए मौत नहीं देते। कहाँ था मैं? और मैं ये पिघलाने की छड़ी क्यों? वो तूफान का नेता वही है दोषी, तुम्हारा भाई। वो जो भी रिश्ता है मेरा दुलारा चैंपियन गायब है और इसकी वजह है वो और तुम्हारा वो खिलाड़ी। मेरे दोस्त जो भी रिश्ता है, सौतेला टूटेला फूटेला जो भी तुम्हारा रिश्ता है, इट्स योर फैमिली प्रॉब्लम। चलिए 1 घंटे में। चलो अच्छी बात है। अगर आप मुझे 12 घंटे देंगे तो मैं उन दोनों को वापस ला सकता हूँ जिंदा। मैं 2 घंटे में ले आऊंगी। लेकिन अब आपके लिए ये खेल ही सही है। मैं लाऊंगी। पता है मैं जब सुबह उठा तो मैंने सोचा था कि आज किसी को सूली पे चढ़ाऊंगा। ये तुमने क्या किया? मैं कोई जवाब नहीं। मैं लाऊंगा। तो जाओ खड़े क्यों? क्यों मदद कर रही हो तुम मेरे भाई? लॉकी नहीं लोकी। और जवाब मांगेगा तुम्हारा बाप ग्रैंडमास्टर। मेरे भाई की और उस हरे भरे कद्दू की। मैं किसी की मदद नहीं करती। तुम तो वैल्करी हो। बात करो। बहुत अफसोस हुआ। बड़ी दर्द भरी यादें होंगी ना। मैंने सुना था सभी वैल्करी कुत्तों की मौत मारी गई। ज़बान संभाल के बात। लगाना बंद करो। सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम शांत कैसे बैठो। आराम से देखो दिन ढल रहा है और ढल रहा है। अरे देखो ढल गया। ठीक है तो ये दूसरा ही तो है। अच्छा हुआ ना हवा पानी बदल गए। मजा आया। मैं एक अनजान ग्रह पे हूँ यार। हाँ ग्रह ही तो है। तुम पहले एक ग्रह पे रहे। सिर्फ इस बार मामला कुछ अलग है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि हल्क और दिमाग की नसें बिल्कुल फटी जा रही है और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है हाथ में, और मैं पीछे डिक्की में बंद हूं। देखो तुम वापस आ गए, फिलहाल बस इतना काफी है। नहीं, हल्क और मैं एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, पर इस बार ऐसा लगा जैसे गाड़ी उसके हाथ में और भी वापस नहीं आ पाएगा। और इस वक्त हम एक ऐसे ग्रह पर फंसे हुए जो मुझे हल्क बना काफी नहीं है। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है की अगर मैं हल्क बना तो फिर बैनर का नहीं, पर तुम्हारा घर नहीं, एस्गार्ड मेरा घर। वो क्यों? हल्क बनाने पे तुला हुआ। हम फंसे नहीं है, मैं घर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। बहुत ही शक्तिशाली बला से लड़ना है जो मेरी बहन भी है। देखो ये बहुत ही गलत। देखो मेरे लोगों पे भारी खतरा है और तुम्हें और मुझे एक बहुत ही दुष्ट आत्मा। मुझे परवाह नहीं है वो क्या है कौन है, नहीं लड़ना मुझे किसी आत्मा से। गलत बात है, मुझे तुम्हारी बहन से नहीं लड़ना। ये तुम्हारा पर्सनल फैमिली बना तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मैं एक टीम आत्मा से थक गया हूँ मैं, अभी बताया ना। अगर मैं फिर से हल्क बना तो मैं नहीं मेरी तो परवाह नहीं। मेरे तो उसका भी थी, मुझे तो और हल्क उसका ज्वालामुखी है। अच्छा तुम बस मुझे भड़का रहे हो क्योंकि तुम्हें हल्क चाहिए। मुझे तो तुम बेहतर लगते हो। थैंक्स। मुझे तो हल्क पसंद भी नहीं है, वो हमेशा गुस्सा बहुत ताकतवर बहुत काम आता है। बैनर भी ताकतवर और काम। क्या बात कर रहे हो, पर अगर सच कहूँ तो जब शैतानी बलाओं से लड़ना हो तो ठीक है तुम किसी से मत लड़ना, पर अभी हमें यहाँ खतरा है। ओके, हल्क ने कितनी पीएचडी की है? 0। और बैनर कितनी पीएचडी कर चुका है? 7। ये तुम क्या कर रहे हो? भेष बदलना होगा, वो मुझे ढूंढ रहा है इसलिए हमें चलना होगा। हाँ हम दोनों भेष बदलते हैं ना। नहीं तुम टोनी नहीं हो, तुम ढूंढ रहे हो। मुझे भी बदलना है। तुम्हारा तो भेष बदला हुआ है, पर टोनी स्टार्क बनता हूँ। क्या वो तो पता। क्या कर रहे हो, मत करो ऐसे, बंद करो। ये टोनी इतनी टाइट ब्रूस बैन तो फिर मुझे टोनी के कपड़े क्यों पहनाए? हाँ क्योंकि तुम नंगे थे। मुमकिन है तुम किसी जानवर के अंदर 2 साल फंसे होते तो तुम भी मेरी तरह मैं क्या हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता क्यों। मुमकिन है आओ मेरे साथ। सुनो हम एस्गार्ड चले जाएंगे और वहाँ तुम्हें फिर कभी ठीक है। तुम शांत का नाम नहीं लेना पड़ेगा ठीक है? ठीक है। सकार सबसे अच्छी जगह लगी पीने भूलने और एक दिन मरने नहीं फेर सकती, तो अगर मरना ही है तो बेहतर होगा पीना नहीं छोड़ने वाली। पर मैं और भुला नहीं सकती और मुंह नहीं फेर सकती। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेहतर होगा उस खूनी डायन के सीने में खंजर उतार के मरा जाए। अच्छा, रिवेंजर्स? हाँ क्योंकि ये लड़ाई है बदले की। तुम्हारा इस टीम का नाम क्या है? टीम का उसका नाम है मैंने अभी तय नहीं किया है। ओके। और मेरे पास तुम्हारा रिवेंज, मेरा रिवेंज और तुम्हें चाहिए रिवेंज। मैंने सरप्राइज। मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। चेक कर रहा था। तो जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम सबको मारने पड़े। हेलो ब्रूस रहते हैं। मारने पर तुले हुए थे, आजकल क्या कर रहे हो? मेरे इरादे यूं ही बदलते रहते हैं। तो सकार और आस्गार्ड एक दूसरे से दूर ब्रह्मांड के दो छोर हैं। यहाँ से निकल माय गॉड, वैल्करी का फेमस तो हम पहुंच ही जाएंगे आस्गार्ड कुछ 18 महीनों में। नहीं, हम यहाँ से निकलने का रास्ता है शहर के ठीक बाहर एक आसमानी सुरंग, ज़ैंडार से होते हुए हम पहुंच। क्या कौन सी सुरंग? मैं पहले ही बता दूं, जब ये रास्ता चुना था तब नाम नहीं पता। यानी तुम क्या उस रास्ते से जाएंगे? शैतानी सुरंग। हमें एक दूसरा जहाज ढूंढना पड़ेगा, ये मेरे जहाज के टुकड़े कर देगा। हमें ऐसा कह रहे हो कि हमें एक टूटते न्यूट्रॉन सितारे के बीच में से गुजरना होगा? हमें चलता हो ताकि जहाज बिना कंप्यूटर के भी चल सके, है ना? और साथ में कुछ बोतल। हमें ऐसा जहाज चाहिए जो इस सुरंग का प्रेशर झेल सके और जिसका पावर स्टीयरिंग रिमोट है। मुझे भी ऐसा लगता है, अजीब है ना? तो क्या कहते हो आकाश गंगा को मरना पक्का है? तो क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। अब एक जहाज चाहिए बस। देखो ऐसे एक दो जहाज है जो एकदम गंगा को चीरते हुए एक खतरनाक सफर के लिए तैयार हो, जबरदस्त मजा आएगा। पर ग्रैंडमास्टर के पास कई जहाजें हैं और हो सकता है कि मैं टोकना तो नहीं चाहता, पर तुम्हें अच्छाई करने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल नहीं, ग्रैंडमास्टर मुझसे नाराज है और है कि मेरे पास उन तक पहुंचने का रास्ता हो, और अचानक तुम्हें अच्छाई करने रास्ता चाहिए। तो तुम बिना अलार्म बजाए ग्रैंडमास्टर के जहाज दिलाने के बदले में मुझे सिर्फ शैतानी सुरंग से निकलने का आ सकता हूँ। एक मिनट जरा, मैं कुछ बताना जरूरी है। अभी थोड़ी मास्टर की सिक्योरिटी को चकमा देकर हमें जहाज दिला सकता है। हाँ मेरे भाई, दिला सकता है। हाँ मेरे भी बचपन से, बहुत पुरानी बात है, जब हम बच्चे थे। मैं इस नालायक से बात कर रहा था तब ये कमीना हम सबको मारने को तैयार था। जैसे मैं उसके पास गया उठाने के लिए, वो झट से लोकी बन गया और उसने मुझसे कहा कि पहचान कौन थे, तो वो एक सांप बन गया और उसे पता था कि मुझे सांप बहुत पसंद है। तो जैसे मैं अगर हमें जहाज चुराना है तो पहले सिपाहियों से निपटना होगा। क्यों ना पाल पहचान कौन, और मुझे छुरा घूम दिया। तब हम 8 साल के बच्चे थे। ऐसी बकवास कर रहे हैं, हमें क्रांति शुरू करेंगे। क्या कहा? क्रांति? बिल्कुल चुप, ऐसा कुछ भी नहीं। राक्षस है ये जो तुम्हारे नीजू से निकलता, वो तुम पेट साफ करता है। आखिर ये हीरो है कौन? बाद में बताऊंगा। साफ करता या अंडे देता? मेरे को अंडे लगता। यहाँ कॉप कौन है? कौन पूछता? तूफान के नेता ने सलाम भेजा है। अपन को मालूम तुम ही पूछती, पर अपने वास्ते पूछती या किसी और के वास्ते? मित्रों ये कब हुआ? पता नहीं, लेकिन बगावत शुरू हो गई रे मियां। गुलामों ने हथियार उठा लिए। ये कितना घटिया शब्द है। कौन सा? लेकिन खिलाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर खराब हो गया है और गुलामों ने ग से जो शब्द है, सॉरी, काम करने वाले कैदियों ने हथियार उठा। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर क्यों घटिया होने लगा? वो उठा लिए। चलो ये बेहतर है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे खानदान में खुल के बात करने का रिवाज नहीं। अच्छा सुनो, हमें बात करनी चाहिए। क्या क्या खुला था? हेलो, हाय। हाय, तुम क्या जानो? पिछली बार बात की थी तो क्या क्या ओडिन ने हम दोनों को और कमाल होगा अगर उनकी मौत हमें अलग कर दे। एक राज्य के 2 कुमार, दोनों की अलग राहें। हमारा अजनबी रहना ही बेहतर है। देखो ऐसा है कि मेरा सकार बड़ा। तुमने तो कहा था बात नहीं करोगे, मेरी तरह सोचने लगे। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सकार पर रहना ही बेहतर है। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। तो तुम्हारे हिसाब से मैं इतना क्या गुस्सा हूँ? जंगली लोग, ना कायदा ना कानून, यहाँ तुम बहुत आगे जाओगे। तो तुम्हारे पर सच तो यह है कि तुम हो और मैं हूँ। लोकी, मैं तुम्हें बहुत मानता था, सोचता था हम हमेशा साथ ही है कि हमारे रास्ते बरसों से अलग हो चुके हैं। और हो सकता है कि तुम में अब भी कुछ अच्छाई बची हो, पर सच यही है क्या? शायद यही बेहतर होगा कि हम फिर कभी ना मिले। हाँ तुम, हाँ चलो बचाओ बचाओ खेलते हैं। क्या? हाँ तुम हमेशा यही तो चाहते थे, हमेशा काम करते। क्या बचपन आ और प्लान है तुम्हारे पास? नहीं, तो हम खेल रहे हैं। मैं नहीं खेलूंगा। तुम बचाओ। नहीं चलो, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल चलो ना, कमाल है, हमेशा काम। मेरा भाई मर रहा है, बचाओ उसे। तुम्हारा ये खेल, बचाओ प्लीज। हाँ, मुझे तो मजा आया। तो कौन सा जहाज लाने को कहा था उसने? मजा आया। बड़ी बेइज्जती होती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। कॉमनर। ओह हाँ। लोकी। जानता हूँ मैंने तुम्हें पहले भी कई बार धोखा दिया है, पर इस बार लोकी, हमेशा पत्थर दिली रहोगे क्यों? पत्थर को दर्द नहीं होता है, पर इस बार मजबूरी है। तुम्हें पकड़ने का इनाम मेरी रिहाई हो। कौन कहता है? मेरे भाई, पुरानी हथकंडे छोड़ भी दो। मैं तुम पर भरोसा करूं। ओ, पत्थर को दर्द हुआ। जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना, बदलते रहना, पर तुम हो कि बिल्कुल तुम धोखा दो, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ देखो लोकी, जिंदगी का तुम हमेशा शरारतों के देवी रहोगे, पर और बहुत जैसे कुत्ते की तुम। कहने का मतलब है कि मैं छोड़ के जाता हूँ। वैसे भी हम सब की मंजिलें अलग अलग हैं, तो बहुत कुछ हो सकते थे। ये खिलौना मैं छोड़ तो कहाँ से शुरू करें? गुड लक। हाँ देखते हैं तो स्पेसशिप ही। आसमान में फैल जाओ सकारवासियों, तूफान के नेता ने मेरा जहाज चुरा लिया है और मेरा चैंपियन इतने गिरा उसे वो इस ग्रह से निकल ना पाए। दरवाजे खोलो। लीजिए। क्या शॉट था, अच्छा था ना? अभी पता चलेगा कितने दमदार हो। क्या? गोली खाएंगे या चलाएंगे भी? चलाएंगे ना। इस जहाज पर ग्रैंडमास्टर ने इसे अय्याशी और मुजरों के लिए रखा है, कुछ नहीं। यहाँ पर हथियार कहाँ है? ही नहीं, ये जहाज सिर्फ पार्टी के लिए है। क्या कह रही है? ग्रैंडमास्टर यहाँ मुजरे करवाता है? हाँ यार, बड़ा अय्याशी। सुरंग के पास पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम शायद यहीं जाए। हम हम लोगों की आजादी का टिकट। थैंक यू। क्या हुआ? हाँ, ये क्या होना? लगता है तुम्हें एक लीडर की बेहद जरूरत है। हम उड़ी मार के उस बड़े जहाज में जाते, तुमको आना क्या? तैयार हो जाओ। सही पकड़े मियाँ। तलवार चुरा ली है। अगर दोषी वासियों किसी नादान ने दोषी का पता है तो बता दो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। बोलो। बहुत बुरा। जल्लाद, तो रुको, मैं जानता हूँ तुम। तलवार कहाँ है? सोचा नहीं था यहाँ वापस आऊंगी। ये खूबसूरत नहीं है, पर यहाँ तो तबाही मची हुई है। देखो वहाँ पहाड़ों में। मुझे लगा था कि ये अच्छी जगह होगी। ऐसा नहीं। मुझे महल की तरफ छोड़ दो, मैं उसे दूर ले जाऊंगा। मरने का शौक है क्या? फंसे हुए हैं और इस वक्त कोई है, लोग साथ छुपे हैं, वो उनकी तरफ आ रही है। ये सब हम करेंगे कैसे? वहाँ नीचे मेरा एक आदमी है और इस वक्त पहले उन्हें बचाना जरूरी है। हेला को मैं संभालता हूँ, तुम एस्गार्ड वासियों को निकालने में मदद करें। एस्गार्ड वो आ गई है। अब इस जहाज में साथ मुझे ये मिला था। अब इस जहाज पे एक हथियार है, यहाँ से मैं संभालूंगी। हथियारों के साथ बुगले आजम, जिंदा रहना। गुड लक। समझ रहे हो ना? जिंदा रहना, समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते रहो, बायफ्रॉस्ट की ओर जाओ। सजावट बदल दी। हर्ष, तुम अब तक जिंदा हो, छुपा देना बस, या उसे हटा देना। हर समस्या का सिर्फ एक ही हल था, हमारे पिताजी के पास उसे छुपा। उन्होंने मुझसे भी यही कहा था। देखा, तुमसे कहा होगा सब तुम्हारा है। उन्होंने ओडिन और मैंने कई ग्रहों पर खून और आंसू की नदी। तुमने उन्हें जाना ही नहीं, उनके असली रूप को नहीं। और फिर एक दिन उन्होंने दयालु राजा की नदियां बहा दी। तुम्हें क्या लगता है इतना सोना कहां से आया? तुम्हारे लिए, तुम्हारी नाराज फैसला कर लिया अमन कायम करने के लिए, जिंदगी के लिए। राजगद्दी पे तुम्हारा हक है और यकीन मानो मुझे खुशी होगी अगर नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, और तुम मेरी बड़ी बहन हो और इस रिश्ते से राजी हो। चलो अब उठो वहां से। मेरे अलावा कोई और राज करे, पर तुम नहीं। बस पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, समझदार राजा कभी युद्ध नहीं जाता। वो मेरी जगह है। पिताजी ने जाता, पर हमेशा युद्ध के लिए तैयार जरूर रहता है। Asgard की मसीहा और कितनी साफ बात। अब शक्ल बाप से मिलती है, साफ बात है, कोई अंधा भी देख पाता। चाहती थी ना कौन हूं मैं? अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो बैनर? देखते जाओ। चाहे मुझे सबको मारना क्यों न पड़े। ये मीक, हम लोग उड़ी मार के जहाज पे जाते, तुम आते क्या? आ गया तुम सबका। देखा था, देखा ही। कोशिश अच्छी थी पर औकात के बाहर। मैं कोई राक्षसी, मैं हूँ मौत की देखा। ना तो मैं कोई रानी हूँ और ना शक्ति को काबू करने, उसे प्रबल करने के लिए था, कभी नहीं थी। ये भी एस्गार्ड हो सकता है। हो गई है, उसने एस्गार्ड को हथिया लिया है। एस्गार्ड कोई जगह नहीं है कब और अब भी। तुम्हारे इस हाल में भी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। एस्गार्ड वही है जहां हमारे लोग हैं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझमें आप जितनी शक्ति नहीं। ज्यादा है। बताओ काहे की देवता हो तुम? चुप क्यों? बताओ। भी करे। उसे बिजली का झटका दे दो। मैंने अभी उसे इतिहास का सबसे बड़ा बिजली का झटका दिया, फिर भी उसे अब रिवेंजर्स को रिटायर कर देना चाहिए। उसे रोकना होगा जब तक सब लोग जहाज पे न चढ़ जाएं। फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। शक्ति बढ़ती ही जाएगी, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें उसे अभी यही शुरुआत खत्म नहीं होगी। जब तक हेला यहाँ एस्गार्ड पे रहेगी, उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। यही रोकना होगा। तो करना क्या है? मुझे बचाओ बचाओ नहीं खेलना। लोकी, हम अब तक गलती कर रहे थे। हमें उसे रोक। एस्गार्ड वहीं बसेगा जहाँ उसके लोग बसेंगे। तिजोरी में। बस यही एक रास्ता है। हमें उसे रोकना नहीं, हमें उसे होने देना है। रैग्नारोक को सोटर का मुकुट मानना पड़ेगा भाई। बड़ी दूर की सोची। चले। शुरुआत तो करो। एस्गार्ड की जय। हेला! कोई भी चाल मुझ पे नहीं चलेगी। तुम मुझे हराने। तुम्हें एस्गार्ड चाहिए तो ले लो। तुम्हारी को पर ये हराएगा। हरा नहीं पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ। एस्गार्ड तबाह कर देगा, हेला को मार देगा। भविष्यवाणी सच हो रही है। बड़ी दुख की बात है। मैं जानता हूँ पर नहीं ताकि हमारे लोग जिंदा रह सके, मगर हम बेवकूफ! हल्क रुको, बस एक बार, सिर्फ एक बार। अब चलो यहाँ से। ठीक है। एक बार वहीं रुक जाओ। बड़ा राक्षस है। सलामत है, अपन फिर से ये जगह बना सकते हैं। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मियां। कायनात का लोग यहाँ फिर से बस सकते हैं। ये फिर से जन्नत होना और पूरी कायनात का लोग। अभी कुछ नहीं हो सकता मियां, माफ करना। एस्गार्ड वहीं बसेगा जहां हमारे लोग होंगे। तुमने हमें विनाश से बचाया एस्गार्ड। जचता है भी नहीं हो मेरे भाई, शायद नहीं। शुक्रिया, शायद तुम इतने बुरे भी नहीं हो मेरे भाई। शुक्रिया, या होते तो गले लगा लेता। मैं यही हूं। एस्गार्ड के महाराज, तो कोई सुझाव? कहां चले? कुछ सोचा नहीं। उधर ब्रिज पे गलती से मेरे पांव के नीचे आ गया। मेरा तो मीक, तुम कहां के रहने वाले हो? मीक तो खल्लास। आओ मीक जिंदा होना, ये जिंदा है यारा। मेरा तो दिल ही टूट गया, तब इसलिए के घूमता। क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी चलो। तुम्हें सच में लगता है कि पृथ्वी पे जाना ठीक होगा? हाँ बिल्कुल माकिलू। शायद तुम सवाल समझे नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पृथ्वी पर मुझे ले जाना? बाकी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत पॉपुलर हूँ वहाँ। शायद तुम सवाल समझे। दिल कहता है अब सब अच्छा ही होगा। मुझे ले जाना ठीक होगा? हो सकता है ठीक ना हो, पर जो होगा देखा जाएगा। कहना ही पड़ेगा कि सफल रहा, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो पड़ेगा कि मुझे तुम सब पे गर्व है। ये विरोध बेहद सफल। मैं खुद को शाबाशी दे देता हूँ, क्योंकि अत्याचारी नहीं होता तो क्रांति भी नहीं। आपको शाबाशी दो। चलो नहीं, चलो चलो मैं खुद सब घर जाओ। क्रांति भी नहीं होती ना, तो मुबारक हो। चलो फिर